गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं नीरज कुमार, आप सभी का बायोस्फीयर एकेडमी में स्वागत है। आज हम जानेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। जी हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रूम शहर में हुआ था। वे एक मैथमेटिशियन थे। वैसे सभी लोग जानते हैं कि ये एक जीव वैज्ञानिक थे, यानी वे बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वे एक क्या गणितज्ञ थे। और अपने ही ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी थे। इन्होंने 1859 से 1864 के बीच लगभग 6 वर्षों तक गार्डन पी पाइसम सटाइपम पर काम किया, लेकिन इनके इस वर्क को प्रसिद्धि नहीं मिली क्योंकि ये एक गणितज्ञ थे। सो जो जैव वैज्ञानिक थे इनके कार्यों को एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन वहीं 16 वर्षों के बाद, यानी आपका 1900 ईस्वी में, 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमाउक, इन 3 वैज्ञानिकों ने इनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया और इन्होंने इनके वर्क को जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है, जो जर्नल होता है, उसमें पब्लिश कराया। और इसके बाद लोगों ने इनके वर्क को, इनके वर्क काम को, काम की सराहना की। और जो जैव वैज्ञानिक थे इन्होंने इनके इस वर्क को, यानी जो उन्होंने जो थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, जिनको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट, ये 3 रूल इन्होंने दिया था। और इन 3 वैज्ञानिकों ने इनके वर्क को इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराया और तब जो जैव वैज्ञानिक थे इनके काम की सराहना की। यानी 1900 ईस्वी में 16 वर्षों के बाद इनको प्रसिद्धि मिली। ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायोस्फीयर एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार हम पर बनाकर रखें। धन्यवाद।